तीन बच्चों के बाप से शादी की थी ये मशहूर अभिनेत्री आज अकेले गुजर रही जिंदगी। 80 के दशक में आपने कई सारी अभिनेत्रियों को देखा होगा, उनमें से कुछ अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिनकी चर्चा आज भी होती है। आज हम आपको एक ऐसी ही मशहूर अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने तीन बच्चों के पिता से शादी की थी। आपको बता दें कि जिस अभिनेत्री के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज की बेहद ही मशहूर अभिनेत्री जया प्रदा है। जया प्रदा का जन्म ललिता रानी के रूप में भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित राजमंड्री के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता कृष्णा एक तेलुगु फिल्म फाइनेंशियर थे। उनकी मां नीलवाणी ने उन्हें कम उम्र में ही नृत्य और संगीत कक्षाओं में दाखिल कर दिया था। वहीं ये भी बताते चलें कि अब इनकी उम्र 56 वर्ष हो चुकी है लेकिन आज भी इनकी खूबसूरती कम नहीं हुई। दरअसल बता दें कि जिनकी हम बात कर रहे हैं उनका नाम जया प्रदा है। 80 के दशक की बेहद ही मशहूर अभिनेत्री रह चुकी है। इन्होंने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज को कई सुपरहिट फिल्में भी दी हैं। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में एक नृत्य प्रदर्शन किया। दर्शकों में एक फिल्म निर्देशक भी शामिल थे और उन्होंने जया प्रदा से तेलुगु फिल्म भूमिको समेत 3 मिनट के नृत्य प्रदर्शन की पेशकश की। जया प्रदा ने विवाह तो कर लिया लेकिन अपने जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाई। जानकारी के लिए बता दें कि जया प्रदा ने 3 बच्चों के पिता फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा से विवाह किया था। जया प्रदा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज के मशहूर अभिनेता अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र जैसे बड़े सितारों के साथ काम कर चुकी है। इस अभिनेत्री ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में अपने करियर की शुरुआत 1979 फिल्म सरगम से किया था। 80 के दशक में जया प्रदा बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज की सबसे टॉप अभिनेत्री बन चुकी थी। लेकिन जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जया प्रदा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी जिस वजह से उनके करियर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और धीरे धीरे उन्हें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। उस दौरान फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा ने जया प्रदा का साथ दिया था और ऐसे में धीरे धीरे जया प्रदा और नाहटा की दोस्ती हो गई और एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए। कुछ समय के बाद इन दोनों ने शादी करने का फैसला भी कर लिया। जया प्रदा नाहटा से इतना ज्यादा प्रेम करने लगी थी कि उन्हें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ा कि वे 3 बच्चों के पिता हैं। उस दौरान श्रीकांत नाहटा ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना ही जया प्रदा से शादी कर ली थी। यह खबर हर किसी के लिए चौंकाने वाली थी। शादी के बाद श्रीकांत नाहटा की पहली पत्नी चंद्रा नाहटा ने भी उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया था और जया प्रदा से भी काफी झगड़े हुए थे। जब जया प्रदा और चंद्र की लड़ाई हो रही थी उस दौरान श्रीकांत नाहटा मूक बने रहे। यह कह सकते हैं कि श्रीकांत अपनी पहली पत्नी यानी कि चंद्रा का विरोध करने में असमर्थ रहे। शादी के बाद भी जया प्रदा फिल्मों में काम करती रही लेकिन उनके करियर पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ चुका था क्योंकि उन्होंने शादीशुदा आदमी से शादी रचाई थी और धीरे धीरे उन्हें बॉलीवुड फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया। शादी हो जाने के बावजूद भी जया प्रदा कभी श्रीकांत के साथ उनके घर पर नहीं रह पाई जिस वजह से उन्हें कभी भी पत्नी का दर्जा नहीं मिला और यही कारण है कि आज तक जया प्रदा का अपना कोई बच्चा भी नहीं है।